हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लोजेज का वीडियो, यानी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्लोजेज, क्योंकि फिफ्थ से लेके जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, चाहे वो एसएससी लेवल की हो, बैंक लेवल की हो, टेंथ लेवल की हो, ट्वेल्थ लेवल की हो, किसी भी बोर्ड की एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिशन की एग्जाम हो, क्लोजेज हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लोजेज के बेसिक से शुरू करते हैं अपन कि क्लोजेज जिसका हिंदी अर्थ होता है उपवाक्य, वो होते क्या है और उनका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लोज। क्लोज कितने टाइप के होते हैं? क्लोज थ्री टाइप के होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज यानी मुख्य क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज एंड थर्ड है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सर प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द डॉग विच वॉज लाइंग देयर डाइड। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहां पर, द डॉग विच वॉज लाइंग देयर डेड, यानी एक वह कुत्ता जो वहां पर लेटा हुआ है मर गया। तो यहां पर मैं देखता हूं सबसे द डॉग, तो यह भी मेरा क्या है? एक सेंटेंस है, क्योंकि कुत्ता, लेकिन वाज लाइंग देयर, वह लेटा हुआ है, वहां लेटा हुआ है, कौन लेटा हुआ है, यानी इसका इस क्लोज का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है अकेले का, जब तक मैं इस क्लोज को इसके साथ एड ना कर दू, यानी कि जब ये एड होता है द डॉग विच वाज लाइंग देयर डाइड, यानी कि तब अपन को पता चलता है कि वहां पे कौन लेटा हुआ है, लेकिन मैं बोलूं वाज लाइंग देयर डेड तो अपन इससे कंफर्म नहीं कर सकते वहां पे कौन है, कौन मर गया। तो ये तो हुआ अपना प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज जिसको बोलते हैं, और ये हुआ अपना सबऑर्डिनेट क्लोज। यानी कि डिपेंडेंट क्लोज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है? मेन क्लोज पे डिपेंड है। एक मैं लिखूं, पूजा वेंट टू मार्केट एंड बोट सम चॉकलेट। पूजा मार्केट गई और उसने कुछ मिठाइयां खरीदी, ओके? तो इसमें मैं बोलूं पूजा वेंट टू मार्केट, पूजा वेंट टू मार्केट, तो ये भी क्या है? एक सेंसिबल क्लोज है। और बोट सम मार्केट सम चॉकलेट, ये क्या है? ये इस पर डिपेंडेंट है, यानी कि ये मीनिंगफुल है, ये डिपेंडेंट है, यानी कि यहां पे दो सेंटेंस को कंबाइन करके बनाया गया है। जैसे एक तो है पूजा वेंट टू मार्केट एंड पूजा बोट, या पुलिस स्टॉप लगा देते हैं, पुलिस स्टॉप, पूजा बोट सम चॉकलेट। इन दोनों को कंबाइन किया है, ये कि जो कंजक्शन भी वर्क कर रहा है, यानी कि जो अपने रिलेटिव क्लोज बोलते हैं इनको, जो रिलेटिव क्लोज होते हैं वो एज ए कंजक्शन भी वर्क करते हैं। जैसे विच दैट, वो आगे अपन डिटेल्स में स्टडी करेंगे, यहां पे तो केवल अपन इनके टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आया प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है? वह सेंटेंस जिसका खुद का कोई सेंस हो वो होता है प्रिंसिपल क्लोज। कोऑर्डिनेट, दो मीनिंगफुल सेंटेंस से मिलकर जो क्लोज बनता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज। एंड सबऑर्डिनेट क्लोज, ऐसा क्लोज जो डिपेंड हो प्रिंसिपल क्लोज पे, वो होता है अपना सबऑर्डिनेट क्लोज। अब अपन स्टडी करते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज की। सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लोज वह क्लोज होता है जो प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड होता है। ये थ्री टाइप का होता है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जैसे यहां पे एंड आया, ये क्या है? रिलेटिव क्लोज। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये रिलेटिव क्लोज के द्वारा एड होते हैं, जो थ्री टाइप के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब।
अब इन अपन इनकी डिटेल्स में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से तो कंजक्शन होते हैं और किस तरीके से वो क्लोज को एड करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे सबऑर्डिनेट क्लोज की, तो सबऑर्डिनेट क्लोज थ्री टाइप्स के थे, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। तो अब अपन पढ़ते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले नाउन क्लोज, तो नाउन क्लोज में अपन देखते हैं तो यहां पे यूज हो रहा है दैट, वेयर, हु, विच, और सेम इधर दैट, वेयर, हु, विच, यानी कि जो प्रोनाउन के है, जो कंजक्शंस है वो एज ए सेम यूज हो रहे हैं। डिफरेंस कहां आ रहा है इनमें वो देखते हैं। इट अपीयर्स दैट, यह प्रतीत होता है कि दैट किशन, कि किशन विल नॉट कम टुडे, कि किशन आज नहीं आएगा, यानी किशन के बारे में प्रतीत हो रहा है कि किशन आज नहीं आएगा। इसी तरीके से अपन एडजेक्टिव क्लोज में देखते हैं, ही इज द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस, यानी कि इसमें ही इज द ओनली बॉय, वह एक सिंगल लड़का है, दैट कैन डू दिस, जो इसको कर सकता है। यहां पे इसका मीनिंग निकला है, जो यहां पे इसका मीनिंग निकला है कि, तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव जो इसकी विशेषता बता रहा है नाउन की वो है अपना एडजेक्टिव, और नाउन क्या है, जो नाउन के बारे में कुछ क्लोज है वो है नाउन के बारे में ही कुछ बताया गया है। जैसे इट अपीयर्स दैट किशन विल नॉट कम टुडे, तो किशन के बारे में बताया गया है कि किशन आज नहीं आएगा। इसी तरीके से सेकंड क्या है अपना, आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट ही लाइक्स, वह क्या पसंद करेगा, उसको क्या पसंद है। इसी तरीके से दिस इज द प्लेस वेयर मेट हिम, यह वह स्थान है जहां हम मिले थे, जहां हमें मिले थे, यानी कि यहां पे उस स्थान के बारे में बताया गया है कि वह, यह वह स्थान है जहां पे हमें मिले थे, जबकि इधर नाउन में क्या बताया गया है, आई आस्क हिम व्हाट ही लाइक्स, मैंने उससे पूछा कि भी हो सकता है कि वह क्या पसंद करता है या उसे क्या पसंद है। तो अब इनमें दोनों में अपन देखें तो इसमें जैसे मैंने बताया कि दिस इज द प्लेस, एक प्रिंसिपल क्लोज है, इसी की विशेषता बताई गई है इधर, जबकि इधर देखो ये क्लोज है, आई आस्क हिम ही लाइक्स, यानी कि इसके बाद में जो भी कंजक्शन आ रहा है अपना, व्हाट, दैट, वेयर, हु, विच, इनके पास में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है। तो ये क्या है, नाउन क्लोज, और इसमें क्या है, विशेषता बताई गई है, डेफिनेशन दी गई है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज। जैसे थर्ड सेंटेंस है अपना, आई नो हु विल डू दिस, मैं जानता हूं कि वो, आई नो हु विल डू इट, मैं जानता हूं वह यह कर सकता है, यानी कि इसमें इस पर्सन के बारे में बताया गया है कि वह इसको कर सकता है। ही इज द बॉय हु हैज डन दिस वर्क, यह वह लड़का है जो इस काम को कर सकता है, यानी कि इसमें इसकी विशेषता बताई गई है कि केवल यही वह लड़का है जो इस काम को कर सकता है। योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क, आपकी सफलता डिपेंड करती है किस पे, आप कैसे मेहनत करते हो, यानी कि ये भी क्या है, नाउन क्लोज है, क्योंकि इसमें भी योर, यू वर्क, ये क्या है, नाउन है। इसी तरीके से आई हैव लॉस्ट द वॉच, मैंने वह घड़ी खो दी, विच यू गेव मी यस्टरडे, जो आपने मुझे कल दी थी, यानी इसी घड़ी की बात कर रहे हैं, यानी कि इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लोज। द गर्ल हु वाज डांसिंग, वह लड़की जो डांस कर रही है, इज माई सिस्टर, यानी डांस करने वाली लड़की कौन है, मेरी बहन है। तो ये क्या हुआ, नाउन क्लोज। जैसे द बुक विच वाज गेव मी, वह पुस्तक जो तुमने मुझे दी, इज वेरी इंटरेस्टिंग, वह क्या थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, यानी इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं, बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके बाद में जो भी शब्द आ रहा है, जैसे दैट कैन डू दिस, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लोज, वेयर मेट हिम, एडजेक्टिव क्लोज, वो हैज डन दिस वर्क, एडजेक्टिव क्लोज, विच गेव यू, विच यू गेव मी यस्टरडे, ये भी एडजेक्टिव क्लोज।
was gave means very interesting, ये भी क्या है adjective clause. इसके अंदर किशन विल, दैट किशन विल नोट कम टू डे नाउन क्लोज, व्हाट इज लाइक्स, ये क्या है नाउन क्लोज है, यानी कि मेन क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ में एड करने करके नाउन क्लोज किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एडजेक्टिव क्लोज को किस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, इनकी अपन ने यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ी. अब पढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज को किस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं. तो अपना है एडवर्ब क्लोज, यानी नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज अपन ने पढ़ा. अब पढ़ते हैं एडवर्ब क्लोज. स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन व्हेन द टीचर्स केम, यानी कि वर्ब के बाद में है. स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूडेंट खड़े हो गए जब जब द टीचर कम, जब टीचर आया. ही एंजॉयज, यानी कि उन्होंने आनंद की अनुभूति होती है. व्हेनेवर ही मीट्स मी, जब भी वो किससे मिलते हैं, मुझसे मिलते हैं, जब भी एंजॉयज. तो एडवर्ब वर्ब के बाद में आ रहे हैं, तो ये कौन सा क्लोज हो गया, एडवर्ब क्लोज. एज सून एज दे सॉ द ट्रेन दे रन टू कैच इट, एज सून एज जितनी जल्दी या जैसे ही उन्होंने ट्रेन को देखा, दे रन टू कैच इट. तो ये कौन सी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एज सून एज जितनी जल्दी, समय के बारे में बात हो रही है. इसी तरीके से आई कैंट वर्क बिकॉज आई एम टायर्ड, मैं अब काम नहीं कर सकता बिकॉज, ये भी एक एडवर्ब ऑफ क्लोज है जिसको टाइम क्लोज बोलते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम, आई एम टायर्ड, आई कैन नॉट वर्क, मैं अब काम नहीं कर सकता बिकॉज, क्योंकि अब मैं थक चुका हूं. एज सून एज यू शो, जैसा आप बोलोगे सो वैसा शेल यू रिफ, वैसा ही आप ही काटोगे. तो सो भी यहां पे क्या है, एडवर्ब क्लोज है. तो इस तरीके से अपने ये क्लोज एंड देयर फंक्शंस अपन ने कंप्लीट कर लिए कि एडवर्ब क्या होती है, क्लोजेस क्या होते हैं, उनको कहां पे काम में लेते हैं, कैसे वो सेंटेंस को कंबाइन करती है. अब अपन अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट टू में पढ़ेंगे इसके यूजेस, यानी कि जो कंजक्शंस है, जो एडवर्ब ये है क्लोजेज, उनको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन जिनको बोलते हैं, इन कंजक्शंस को जो क्लोजेज को ऐड करते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ये किस तरीके से सेंटेंस को कंबाइन करते हैं वो अपन पार्ट टू में पढ़ेंगे. ये अपना हो गया क्लोजेज एंड देयर फंक्शंस. इनसे ये जो है ये क्लास 5 to up, यानी कि 5th class से ऊपर की क्लासों में ये फंक्शंस या टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.